नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका खबर अब तक। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों लेके आया हूं आज के लिए आपके लिए आज की तारीख का इतिहास। मैं बताना चाहूंगा कि हर साल जैसे कि 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे के तौर पर मनाया जाता है, पहले इस दिन को केवल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे विश्व दूरसंचार दिवस के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन 2006 से इसमें इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे सामाजिक सूचना दिवस के तौर पर भी इसे मनाया जाने लगा। नवंबर 2005 में यूनाइटेड नेशन यूएन की जनरल असेंबली ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस को 1969 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 17 मई को सूचना और संचार के तौर पर मनाया जा रहा है। इस बार 51वें विश्व दूरसंचार दिवस को मनाया जा रहा है। 17 मई यानी आज के दिन ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाया गया था। साथ ही पहली बार इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन एंड कोइन साइट्स का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। विश्व दूरसंचार दिवस को मनाने के पीछे की वजह यह भी है कि इस दिन को इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे के ग्लोबल अवेयरनेस के तौर पर याद किया जाए, लोगों को इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जा सके। इसका मुख्य मकसद लोगों के बीच डिजिटल मतभेद को खत्म करना है। इस बार विश्व दूरसंचार दिवस का थीम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोविड-19 को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 का कम्युनिकेशन एजेंडा है। साथ ही 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को बढ़ावा देना है। इस दिन को लोगों के बीच सकारात्मक संचार तकनीक पॉजिटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस का मकसद खास तौर पर सूचना और संचार को रिमोट और ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाना है। आज भी दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां सूचना और संचार नहीं पहुंच पाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है। लोग घरों में रहकर भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संचार तकनीक की वजह से ही जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है इस लॉकडाउन में सही तौर पर पता चल गया है। लोग घरों में रहकर भी दूनिया से कनेक्टेड हैं, ऐसा केवल दूर संचार और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सतत विकास की वजह से ही संभव हो सका है। आशा है आपको आज की तारीख का इतिहास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।